और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस की बैठक में कई दिग्गज शामिल नहीं होंगे। रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। कर्नाटक कार्यक्रम में व्यस्त है रणदीप सुरजेवाला। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर शैलजा भी नहीं होंगे शामिल और पैर में चोट के चलते किरण चौधरी भी नहीं होंगी शामिल। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किरण चौधरी की पैर में चोट लगी थी और वो इस वजह से आज बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। शैलजा जो है छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर व्यस्त है और इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कई दिग्गज जो हैं वो आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्या असर देखा जाए इसका? विनोद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज बैठक होने जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन कई दिग्गजों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस यात्रा में आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की और एक बार फिर से हम आपको खबर बता दें। ये खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। कई दिग्गज इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है रणदीप सुरजेवाला, जो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। कर्नाटक कार्यक्रम में व्यस्त है रणदीप सुरजेवाला। कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है, इसकी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। किरण चौधरी जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो जख्मी हो गई थी, घायल हो गई थी और ऐसे में जो है उनके पैर में चोट लगी हुई है और इस वजह से वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो बड़ी बैठक आज होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में पहुंचेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर इस बैठक में रणनीति बन सकती है, चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि इतनी अहम बैठक और इसमें ये तीन बड़े जो दिग्गज हैं इनका ना होना। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा से बातचीत करने के लिए। विनोद, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल, ये कन्फर्म है और लगभग सभी लोगों से बातचीत के बाद ये खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पर राजनीति बहुत होती है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बैठक में बड़े नेता शामिल नहीं होते। लेकिन रीजन भी हम लोगों के पास है कि पैर में चोट की वजह से किरण चौधरी नहीं आ रही है और नॉर्थ ईस्ट के कहीं अपने कार्यक्रम में श्रुति चौधरी व्यस्त है, पारिवारिक कारण है, तो श्रुति चौधरी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है वो नहीं इस बैठक में आ रही है। और अगर बात की जाए कुमारी शैलजा की, जो कि कांग्रेस महासचिव है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा की, उनका भी आना मुश्किल है और वो भी नहीं आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो प्रभार है उनके पास कांग्रेस का, वो इस वजह से इस बैठक में शरीक नहीं होंगी। बात की जाए रणदीप सुरजेवाला की, जो कि राज्यसभा सांसद है, एक और सीनियर नेता है हरियाणा के लिहाज से भी और कांग्रेस में भी रखते हैं, उनका भी कर्नाटक में एक यात्रा चल रही है, इस वजह से वो भी शरीक नहीं होंगे। तो किरण चौधरी नहीं आ रही है, श्रुति चौधरी नहीं आ रही है, कुमारी शैलजा नहीं आ रही है, रणदीप सुरजेवाला नहीं आ रहे हैं। चार बड़े नेताओं का हमने नाम लिया हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से और चारों के ना आने का रीजन भी हमें पता है, तो वो भी हम जनता के सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये जो वजह यहां पर निकलकर सामने आ रही है इस वजह से ये बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, इसको लेकर इस बैठक में तैयारी को लेकर बातचीत हो सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होनी है और उसको लेकर जो पूरी बातचीत है उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति कैसे बनेगी, आगे किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तमाम लीडर्स को इसलिए बुलाया गया था और सवाल इस चीज पर भी उठेंगे, भले ही रीजन हम बता रहे हैं, रीजन इन नेताओं द्वारा भी बताए गए हैं, कि किन एक ही सवाल उठता है कांग्रेस की, कोई भी खबर हो, कोई भी नया विषय सामने आए तो क्या तमाम जो नेता है एक पिच पर है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी वजह से अब रीजन कोई भी दिया जाए सवाल इस पर जरूर उठते हैं। में कांग्रेस की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और अपने आप को जो मजबूत करने की कांग्रेस की जो कोशिश है वो यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार प्रयास
रही है और कांग्रेस जब प्रयास करती है तो उसमें एक ही पलीदा लगता है या कहें एक ही नेगेटिविटी होती है कि तमाम लीडर्स उसमें शरीक नहीं हो पाते और सभी नेता एक नजर में नहीं आते। अब कितनी सफल होगी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्साहित है और बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रही है और ये बीजेपी के जो काउंटर अटैक आते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक डैमेज करने का काम किया है। कल आपने देखा होगा जयप्रकाश जेपी का एक बयान हिसार से आया था कि काफी हद तक डैमेज किया है हमने मौजूदा सत्ताधारी पार्टियों को, इस वजह से तमाम रैलियां करने के लिए बीजेपी भी कर रही है। ओवरऑल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अपना उसका प्रभाव रखना चाहती है और उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाहती है। बिल्कुल, और बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो दिग्गज जो है, जिनमें वैसे तो यहाँ पर बातें कही जाती है कि आपसे गुटबाजी हो सकती है और जिसकी वजह से ये एक साथ कभी भी नजर नहीं आते, लेकिन हाल ही में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और इसमें ये साथ में नजर आए, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की ही असर है जो अब जो है कांग्रेस को मजबूती मिल रही है हरियाणा में, कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये थी कि अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों में बने नहीं रहते थे, अब ये जनता तय करेगी आखिरकार कितना असर हुआ है नहीं हुआ। लेकिन दावों के लिहाज से कहा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लीडर ये भी कहते हैं कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टियों पर तो दबाव बनाई और हम भी आपस में वेल कनेक्टेड होते हुए नजर आए। एक वीडियो आपको जरूर याद होगा जो राहुल गांधी संदेश देके गए थे इन तमाम लीडर्स को, ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप लोग भी जुड़े रहे और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं जब बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस के नेतृत्व से ये मैसेज दिया गया और जो आपसी गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है हरियाणा की, तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसके बाद अगले अभियान की शुरुआत करना और कनेक्टिविटी को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में अगर आपको किसी चीज में एज मिल गया तो उस एज को बनाए रखने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है, हालांकि हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है वो भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी जो तमाम सवाल उठाती है कि कांग्रेस खुद जुड़ गई है क्या, उनके नेता अपने जुड़ गए हैं, इस तरह के सवाल बीजेपी द्वारा लगातार उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये बड़ी बैठक जो आज होने वाली है कांग्रेस की, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो कांग्रेस का शुरू होने वाला है, इसको लेकर तैयारी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस बैठक में जो तमाम दिग्गज है कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, कुमारी सैलजा, ये इस बैठक में शामिल होने के लिए आज नहीं पहुंच पाएंगे।